मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है? फबी के हो? फुली ऑफ फबी, बहुत बहुत बढ़िया और मस्त होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। हाँ तो भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गाइस आप लोग अपने अकाउंट को अपने दूसरे मोबाइल में कैसे लॉगिन कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आप लोग अपने अकाउंट को अपने दोस्तों के मोबाइल में या तो अपने दूसरे मोबाइल में लॉगिन करना चाहते हैं, तब आप लोग अपने अकाउंट को दूसरे के मोबाइल में कैसे लॉगिन कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो भाइयों, आप लोग समझ सकते हैं ये वीडियो अब फबी फ्री फायर प्लेयर्स के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड कितना ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तब आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी के साथ साथ अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तब आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज गाइस आपका भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता है। दोस्तों, अभी आप लोग मेरी यहाँ से आईडी को देख सकते हो। यहाँ पर ये जो आईडी है ये मेरे कंप्यूटर में लॉगिन है, और भाई अभी मैं इस आईडी को अपने दूसरे मोबाइल में लॉगिन करने वाला हूँ, वो भी आपके सामने। और यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो आईडी है वो फोन में लॉगिन है या कंप्यूटर में लॉगिन हो। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो आईडी है वो मेरे कंप्यूटर में लॉगिन है, एंड अभी आप लोग इसकी यूआईडी को भी देख सकते हो। यहाँ पर इसकी यूआईडी आपको कुछ इस तरह की मिल जाती है। दोस्तों, अपनी फ्री फायर की आईडी को दूसरे के मोबाइल में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से अपने गेम को क्लोज कर देना है, और गेम को क्लोज करने के बाद अब आपको अपने दूसरे मोबाइल में चले आना है जिस मोबाइल में आपको अपनी आईडी को लॉगिन करना है, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो मोबाइल है मेरा, इस मोबाइल में मैं अपनी आईडी को लॉगिन करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो ट्रिक है तभी वर्क करने वाली है जब आपकी जो आईडी है वो फेसबुक से कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। अगर आपकी जो आईडी है वो गूगल, वीके, ट्विटर से बनी हुई है तब भाई यहाँ पर ये ट्रिक वर्क नहीं करने वाली। और अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि आप लोग अपनी गूगल की आईडी को अपने दोस्तों के मोबाइल में कैसे सेंड कर सकते हैं, तो भाई आप लोग मुझको कमेंट करके बता देना, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के समझा दूंगा कि आप लोग अपनी गूगल की आईडी को अपने दोस्तों के मोबाइल में कैसे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पे अपने दूसरे के मोबाइल में आ चुके हैं, और दूसरे के मोबाइल में आने के बाद आपको यहाँ से अपना फेसबुक ओपन कर लेना है। और फेसबुक को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट के ऑप्शन में क्लिक कर देना है, यहाँ पर ये जो तीन लाइनें बनी हुई हैं, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, एंड इसके बाद आपको यहाँ पर एक लॉग आउट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तब आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लॉगिन इनटू अनदर अकाउंट, जिसको कि अभी आप लोग देख सकते हैं, तब आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद भाई आपको जो फेसबुक का आईडी और पासवर्ड रहेगा तब आपको सिंपली यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और आईडी पासवर्ड को डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद भाई अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो मेरी फेसबुक की आईडी थी वो यहाँ पे लॉगिन हो चुकी है। और यहाँ पर आईडी को लॉगिन करने के बाद अब आपको अपने फ्रेंड के मोबाइल में फ्री फायर गेम को ओपन कर लेना है। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने फ्री फायर को ओपन कर लिया है। और फ्री फायर को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी चलो मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखो भाई, यहाँ पर फ्री फायर ओपन करने के बाद आपका जो दूसरा मोबाइल रहेगा, अगर वहाँ पे कोई आईडी वगैरह लॉगिन है तब आपको सिंपली उसको लॉग आउट कर देना है। और लॉग आउट करने के बाद अब आपको यहाँ पर साइन इन विद फेसबुक के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी कंप्यूटर में आईडी लॉगिन थी वो यहाँ पे लॉगिन हो चुकी है। लेकिन भाई यहाँ पर ये जो कलेक्शन पैक है वो यहाँ पे डाउनलोड नहीं है, लेकिन हमको कलेक्शन पैक से क्या लेना देना, अभी चल मैं आपको सबसे पहले यहाँ से अपनी यूआईडी को दिखा देता हूँ कि जो मेरे पीसी में लॉगिन था ये वही आईडी है कि नहीं है। दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे पीसी में आईडी लॉगिन थी अभी आप लोग उसकी यूआईडी देख सकते हो, और साथ में अभी आप लोग मेरे मोबाइल में देख सकते हो भाई यहाँ पर ये वही आईडी है जो कि मेरे पीसी में लॉगिन थी, जिसको कि अभी आप लोग देख सकते हो। आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि आप लोग अपनी फेसबुक की आईडी को अपने दूसरे के मोबाइल में कैसे लॉगिन कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी के साथ में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तब आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी के साथ साथ अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तब आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज गाइस आपका भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता है।